गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश श्रीवास्तव। आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक नया चैप्टर में पढ़ाऊंगा जिसका टॉपिक है सेव द ट्रीज, यानी पेड़ों को बचाओ। इसमें एक ऐसे छोटे बच्चे की कहानी है जो कि अनाथ है और जंगल में रहता है और पेड़ों से उसे बहुत अधिक लगाव है। लेकिन गांव का प्रधान एक दिन उन पेड़ों को काटने के लिए आता है। तब ये जो छोटा बच्चा होता है वो पेड़ों को रोकता है कि पेड़ को मत काटो। तो फिर क्या होता है, यही इस चैप्टर में है जिसको मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए पहले लेसन रीड करता हूं तो आपको पता चलेगा। आइए पहले हम लेसन रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन का नाम है सेव द ट्रीज, यानी पेड़ को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। वंस देयर लिव्ड ए लिटिल बॉय नेम्ड कपिल। एक बार एक छोटा लड़का जिसका नाम कपिल था। ही लॉस्ट बोथ हिज मदर एंड फादर व्हेन ही वाज जस्ट 5 years old। जब वो केवल 5 साल का था तभी उसके माता और पिता दोनों की डेथ हो चुकी थी। ही वॉज ऑल एलोन इन दिस वर्ल्ड। वो इस संसार में एकदम अकेला था। कपिल लिव अंडर ए बिग बेनियन ट्री। कपिल एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। ही मेड लिटिल टॉय विथ ड्राई लीव्स एंड ट्विंग्स एंड गेव टू अदर चिल्ड्रन। वे लड़कों के लिए, छोटे लड़कों के लिए सूखी पत्तियों और तिनकों से खिलौने बनाता था और दे देता था। सम काइंड विलेजर्स गेव हिम सम फूड टू ईट एवरी डे। कुछ दयालु की गांव वाले उसको प्रतिदिन कुछ खाने को दे देते थे। कपिल वॉज ए लोनली चाइल्ड। कपिल अकेला बच्चा था। ही कुड नॉट प्ले विद अदर चिल्ड्रन बिकॉज हिज लेग वर अफेक्टेड बाई पोलियो। ही कुड नॉट, वो दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेल सकता था। बिकॉज यानी क्योंकि, हिज लेग वर अफेक्टेड, क्योंकि उसके पैर पोलियो से क्षतिग्रस्त थे। हिज पेरेंट्स वर नॉट एजुकेटेड। उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे। एंड ही डिड नॉट गिव हिम पोलियो ड्रॉप। और उन्होंने उसको पोलियो की ड्रॉप नहीं पिलाई थी। पोलियो की ड्रॉप का मतलब पोलियो की दवा। हिज लेग्स वर थिन एंड लाइफलेस। उसके पैर पतले और बेजान थे। एज ही हैड नो फ्रेंड ही ऑलवेज टॉक्ड टू द ट्री एज हिज फ्रेंड। उसका कोई भी मित्र नहीं था। वे हमेशा पेड़ को मित्र मान के बात किया करता था। When he was happy, he laughed. जब वो खुश होता था तो हंसता था। And when he sad, और जब वो दुखी होता था, he hugged the tree. वो पेड़ से चिपट जाता था और रोता था। और if he was holding his mother, और ऐसे चिपटता था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ से चिपटता है। There was a strange bond between Kapil and the tree. ये एक अनोखा बंधन था कपिल और उस पेड़ के बीच। One day a woodcutter was employed by the village headman to cut the tree to make a playground for the children of the village. एक दिन गांव के मुखिया ने एक लकड़हारे को गांव में भेजा ताकि वो पेड़ काट के गांव के बच्चों के लिए खेल का मैदान बना सके। When Kapil heard about it, जब कपिल ने ये सुना, he felt very sad. वो बहुत दुखी हुआ। For him this tree was his home, his parents, his friend and his world. क्योंकि ये पेड़ केवल उसका घर ही नहीं, उसके माता पिता, उसके मित्र और उसका पूरा संसार था। When the woodcutter came to cut the tree,
ही हग द स्टेम्प ऑफ द ट्री। जब वो लकड़हारा उस पेड़ को काटने के लिए आया तो वह उस पेड़ के तने से चिपट गया एंड रिफ्यूज टू मूव, और उसे जाने को कहा। द विलेजर्स ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सेपरेट कपिल फ्रॉम द ट्री। गांव वालों ने भी बहुत कोशिश की पर वे कपिल को पेड़ से अलग नहीं कर सके। कपिल वाज क्राइंग लाउडली एंड शाउटिंग। कपिल जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। इफ यू वॉन्ट टू कट द ट्री यू विल कट हैव टू कट मी टू। अगर तुम इस पेड़ को काटना चाहते हो तो तुम्हें मुझे भी काटना होगा। द वुड कटर एंड द विलेजर्स वर मूव्ड बाय कपिल्स एक्शन। वो लकड़हारा और वो किसान, वो गांव वाले उस कपिल को हटाने को तैयार नहीं थे। दे हैड नेवर सीन सच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन ए चाइल्ड एंड ए ट्री। उन्होंने इसके पहले एक बच्चे को पेड़ के साथ ऐसा अनोखा रिश्ता नहीं देखा था। द वुड कटर ड्रॉप हिज एक्स एंड वो। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी वहीं गिरा दी और प्रतिज्ञा की कि अब वो जीवन में कभी भी पेड़ नहीं काटेगा। ओनली वेन द विलेज हेडमैन प्रोमिस नॉट टू गेट द ट्री कट कपिल मूव फ्रॉम वेयर ही वॉज। केवल जब विलेज हेडमैन यानी गांव के मुखिया ने उससे वादा कर लिया कि कोई पेड़ नहीं काटेंगे तब कपिल वहां से हटा जहां पर वो था। ही थैंक द विलेज हेडमैन एंड सेड। उसने गांव के मुखिया को धन्यवाद दिया और कहा थैंक यू फॉर सेविंग दिस ट्री। इस पेड़ को बचाने के लिए आपका धन्यवाद। इट इज नॉट जस्ट माई होम। ये केवल मेरा घर ही नहीं। इट इज द होम ऑफ बर्ड्स स्क्वेरल एंड इंसेक्ट। ये केवल मेरा घर ही नहीं बल्कि कई सारे चिड़ियों का, गिलहरियों का और कीड़े मकोड़ों का भी है। टायर्ड ट्रैवलर रेस्ट इन इट सेड। थके मांदे यात्रियों भी यहाँ पर इसकी छाया में आराम करते हैं। द विलेजर्स डिसाइडेड टू मेक ए गार्डन देयर। गाँव वालों ने निश्चय किया कि अब वो उस जगह एक बगीचा बनाएंगे। एंड ईच ऑफ देम, और प्रत्येक बॉट ए सैपलिंग टू प्लांट। वहाँ पर एक छोटा पौधा बोएंगे एंड मेक द एरिया ग्रीन एंड ब्यूटीफुल, और उस क्षेत्र को हरा भरा और सुंदर बनाएंगे। द बर्ड्स चिर्प एंड स्क्वेरल स्क्वीक हैप्पी। चिड़िया चहचाने लगी और गिलहरी खुशी से स्क्वीट करने लगी। स्क्वीट कहते हैं गिलहरियों की आवाज को। और स्टूडेंट, इस तरीके से आपका ये लेसन सेव द ट्री समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। अब आप इस लेसन के हार्ड वर्ड्स देख लीजिएगा और इस लेसन का अर्थ जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।